शरण दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गाव रखो शरण साड़ी जियो सतगुरु पच्छति सजी सारी सत्संग दियो अदब सत्कार सहित फतेह जाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। बाल प्रीतम तन तन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जिस बैठे सब दुख जाए उन्होंने पावन स्थान पे आप हाजिर कर रहे हो। सिद्ध गोष्ठ बाणी की विचार लड़ीवार चल रही है। पौड़ी के विचार आरंभ करन तो प्रथम सिद्ध गोष्ठ बाणी के संबंध में कुछ बेनती करा। पहले ये गल समझनी बड़ी जरूरी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दूसरे धर्म के भी कुछ शब्द जड़े ने लफ्ज आ गए पर इथे आके अर्थ उन्होंने वो नहीं रहे। मसलन ये शब्द है नारायण, नारायण के जिहड़े अर्थ पुराणा विच ने वह ते ने जिसका नार आयन पानी विच घर है, इथे अर्थ नहीं। इथे है नारायण सब माहे निवास, नारायण घट घट प्रकाश, शब्द है राम। पर जो राम अर्थ राम जपन वाले का इथे बदल गया है, जिथे आया साफ लिखे राम चुरे दल मिल वे अंतर बल अधिकार बंतर की सेना से भी है मन तन जो जियो पार। रोवा राम ने काला भया सीता लखमन विछड़ गया, पर जेड़ा राम जपन लिए थे के है वो केड़ा, वो है जिसका तारे धरने आकाश, घट घट जिसका है प्रकाश, जे सिमरत पतत पुनीत होए अंत काल फिर ना रोए। राम राम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम। सिद्ध गोष्ठ विच योगियां दे शब्द आए ने, योग दे जड़े अठ अंग ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो चक्रां दा जिक्र करदे ने, वो कुंडलनी दा जिक्र करदे ने, वो मन दा जिक्र करदे ने, वो नाभि दा जिक्र करदे ने। सवाल ये है कि जे ते इस ढंग नाल ही व्याख्या करिए कि उन्हां दे नाभे दे उसे तरह ही उन्हां नूं खुश करन वास्ते गुरु उत्तर दे रहे ने, फिर तो सिद्ध गोष्ठ की हुई भाव। गुरु साहब उस कवि वर्गे होए कि जिथे गया उन्होंने खुश करने वास्ते कुछ जड़ा सी उच्चारण कर दिता, नहीं। गुरु की नजर में योग की है, पहले ये समझ लेना बड़ा जरूरी है। मैं आपको सुनावा, योग न खिंथा, योग न डंडा है, योग न भस्म चढ़ाई है, योग ना मूंदी मूंद मढ़ाया, योग ना सिंगी वाहिया। योग की है गुरु नानक देव जी का अंजन माहे नरिंजन रही है, योग जुगत ए पाहिया। गली योग ना होए, सतगुरु ने शुरू विच जदों पुछदे ने कहंदे ने असीं बहुत घूमे आ, साडे विच ऐसे ऐसे योगी ने जिन्हें सृष्टि का भ्रमण किया ते तुसी कित्थे घूमे हो, तुसी ते अजे आए हो, दसो तुहाडा नां की है, कित्थे रहण वाले हो, तुहाडा गुरु कौन है। वो तो बाला कहिंदे पए ने,
स्थिति मने विचारे किवें दर्शन ए लेवे बल दर्शन साडा भेख लै लवे योगी बन जाए ऐसा योगी कली माए हमारा पंथ करे उजियाला उत बाला बचा के कहने जा पानी लेके खप्पर देता नाथ जी पानी भर ले मने उठ चाला बाबा आया पानिया डिठे रतन जवाहर लाला सतगुर अगम आगात पुरख केड़ा झले गुर दी चाला शब्द जिते सिद्ध मंडली की तो सोई अपना पंथ नराला कलयुग नानक नाम सुखाला इस वचन वल ध्यान देना शब्द नाल सिद्ध मंडली नू जिते आ होर कुछ उथे नहीं है ऐसा कुछ वरते आ शब्द नाल जिते आ भाई गुरदास की रचना चो एक पौड़ी वल तुहाडा होर ध्यान दवावां वो कहंदे ने बाबे कीती सिद्ध गोष्ट सिद्ध गोष्ट होई किथे होई बटाले बाबे कीती सिद्ध गोष्ट शब्द शांत सिद्धा विच आई ये बचन बड़ा ध्यान मंगदा सिद्धा कोल योग दे भेद है सन सिद्धा कोल बरागन है चोली है चिमटा है आसन है उन्हां कोल समाधियां हैं रिधियां सिधियां हैं शांति कोई नहीं शांति किवें मिले शब्द शांत सिद्धा विच आई शब्द नाल शांति आई गुरु साहब जी नूं पुछदे ने कहंदे ने तू कौन है तेरा नां की है कौन तुम है क्या नां तुम्हारा कौन मारे कौन सवाओ तू कौन है तेरा नां की है तेरा मारे की है तेरा जीवन दा स्वार्थ मनोरथ की है साहब इत्थे तक भी नहीं दसते कि मेरा नाम नानक है मैं बेदियां दा पुत्र हाँ मैं तलवंडी दा रहन वाला पटवारी दा पुत्र हाँ नहीं कहंदे ने साच कहो मैं केवल सच्चे नूं कहन वाला अरदास हमारी मैं अरदास करन वाला मैं सतसंगियां तो बलहार जान वाला साच कहो अरदास मारे हाँ संत जना बल जाओ फिर पुछदे ने ते कहंदे ने कि कौन मूल कौन मत बेला तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला नगोरा सिद्ध कर देंगे कहांगे सानू गुरु बनाओ कहंदे ने पवन आरंभ साचे ते पवना भया पवने आरंभ सचे ते पमना भया पमने ते जल होए जल ते त्रिभुवन साजया कट कट जोत समोए नाथ जी पवने आरंभ श्वासा तो सृष्टि शुरू होई पवन को पवने आरंभ सतगुर मत वेला गुरु दी मत लैण दा वेला योगे दा नहीं शब्द गुरु सुरत धुन चेला शब्द गुरु है ते सुरती दी लगन चेला है तुन का इतने अर्थ है लगन अंदर दी लगन ए चेला है फिर पुछदे ने दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो औखा तरिया जान वाला सागर है इहदा पाव किनारे खलोते ने अजे तरे नहीं कहंदे ने किवें पार जाइए साहब कहंदे ने पहले तुसी दसो अज तक कीता के संसार समुंदर तरन लई तुसी की कीता कहन लगे असी ऐसा कीता है हाटी बाटी रहे निराले रूख बिरख बयान हाटी दा अर्थ है हाटी बाटी दा अर्थ है बाट राह राहां विच असी नहीं बंदे तां कि लोकी ना मिलन एक बाजारां च दुकानां च असी नहीं जांदे नराले रहने रुखां च उरियान विच रहने कंध मोलिया हारो खाई है रोटी नहीं असी खांदे भोजन पकवान नहीं छकते कंध मूल होंदा जिहड़ा जमीन च पलिया होवे आलू कंध मूल च आ जांदा गाजर आ जांदी है मूंगफली आ जांदी है जिहड़ी विचे पली है शलगम आ जांदे कंध मूल आहारो खाइए ओदो बोले ज्ञाने तीर्थ नाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई गोरख पूत लोहा रीपा बोले जोग जुगत बिद साई वार वार प्रश्न करते ने ते नाले भी कहते ने रोस ना कीजा
उत्तर दीजे क्यों पाई है गुरुद्वार। साहब कहंदे ने सुनो मेरी गल ध्यान नाल, शब्दे का नबेड़ा सुन तू अदो बिन नामे जोग ना होई। एक सुखैन जा दृष्टांत कहां के सौखा साड़ी पकड़ जा जाए। एक योगी मिलता है दूसरे साधु नु ते ओनु शक पिया कि ए असल साधु नहीं। ओनु कहंदा तेनु माला मंत्र आउंदा, ओ कहंदे नहीं। चिमटे दा मंत्र आउंदा ही, कहन लगा जी बिलकुल नहीं। झोली दा मंत्र आउंदा, ए मंत्र हुंदे सन। झोली दा मंत्र आउंदा, कहन लगा बिलकुल नहीं। आसन दा मंत्र आउंदा, कहन लगा बिलकुल नहीं आउंदा। गोदड़ी दा मंत्र आउंदा ही, कहन लगा बिलकुल। कहन लगा एक गल दस, मंत्र ते मैनू कोई नहीं आउंदा पर झोली मेरी भरी है, तेरी झोली चाटा है कि नहीं। कह लगा मिलिया ते मैनू कुछ नहीं। कह लगा मैनू मंत्र ते कोई नहीं आउंदा, मंगना मैनू आउंदा। मेरी झोली भरी है और तेरी झोली खाली है। गुरु साहब जी कहंदे ने नाथ जी झोली तुहाडी खाली है, तुहानू मंगना संसार विच ते आ गया, करतार कोल मंगना नहीं आया। मैं झोली तां नहीं पाई कि मैं दुनिया कोलों मंगदा ही नहीं। धन गुरु नानक देव धन ने इतिहास सारा पढ़ के वेखो, जिथे गए किते गुरु नानक देव तुहानू किसे कोलों मंगदे नहीं मिलणगे, देंदे ते मिलणगे। वंडन वास्ते गए थां थां ते जाके उन्हां वंडिया, थां थां ते जाके निहाल ते कीता, मंगिया किसे कोलों नहीं। पुछिया किते मंगदे वी हो, कहन लगे इक कोलों। पंक्ति सरवण करो, लोग तिघार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। फटकारा पाउंदे ने लोकी मंगतिया नूं, कहंदे ने चल लगे। लोग तिघार कहे मांगत जन मांगत मान ना पाया, कहंदे ने सहकियां गल्लां दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया। पर दातिया मैं तेरे दर दा मंगता ते तू मेरी झोली च खैर पाई है, सिफत सलाह दी। मैं तेरे दर दी सिफत करना, तेरे दर दियां गल्लां करना, ये तू आप करवाइया ने। जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाहे पातशाह। एक दृष्टांत होर कह दे ताकि होर दृढ़ हो जाए। मैं ऐसा पढ़िया कि तीन बंदे रल के तुर पे ते खीर बनाई रात अटके सन, एक यहूदी एक मुसलमान एक ईसाई। रात नूं कहन लगे सवेरे खावांगे, ते खावेगा पहले वो जिन्हूं सुपना वधिया आए। हुण सवेरे उठे, सब तो पहले यहूदी ने सुपना अपना सुनाया, अपने पैगंबर के मूसा मौजूद मैनूं मिलिया के होया ईसा बारे सुनाए ईसाई ने। ते मुसलमान जरा होशियार सी, वो कहन लगा मेरा सुपना बड़ा खतरनाक है। कहन लगे क्यों? कहन लगा मैनू ते कोई पैगंबर नहीं मिलिया, सुपने च एक भूत मिलिया ते ज्यों मैनू कुटन लगा मारन लगा। कहन लगा खा सारी खीर कर रहा ते गुरु नानक देव दी गोदी च बैठा, प्यारे नाल जुड़ गया जेड़ा। गुरु साहब जी कहंदे ने ए मारेगा जदों शब्द दी गल सुने समझे शांति आई। ते सिद्धा ने एक गल कही सी, वो तुहाडे वास्ते फखर वाली गल है, साडा बहुत वड्डा विरसा। उन्होंने कहा सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। तेरी वड्डी कमाई शब्द की कमाई वड्डी की है। जगत गुरु ने एक गल कही कि शब्द सिर्फ याद ही ना करने हो, शब्द की कमाई है तुहाडे कर्म विच आ जाए। गुरु नानक देव जी ने जो भी शब्द उच्चारण किए पहले उन्होंने कर्म बने, उन्होंने कमाया। कमाई का अर्थ कई बार असी वार वार पढ़ना कर लिया, नहीं। कमाई का अर्थ है शब्द कर्मा विच उतर जाए। साहब जी कहते ने योगी हो सुनो, हुण प्रश्न कर रहे ने कि ये जेड़ा मन है ये शांत किवें होवे। सतगुरु कहंदे ने पहले वेखो अशांत किवें होया। तुसीं इह ते कहंदे हो टिका किवें मिले,
पहले वेखो पटकया कितो, पटकन का कारण की है, रंग न रहता। योगे दे विच्चे प्यार लई कोई था नहीं, साधना है। एक गल फिर मैं दोहरा दिया, योग मत विच प्रेम लई कोई था नहीं, बिल्कुल नहीं। उते साधना संघर्ष है एक, प्रेम किथे हो ते कहंदे ने घिरना कर, नफरत कर, उपराम हो जा संसार तो नफरत। जिसनू घर तो नफरत है वह घर नाल प्रेम करेगा, उन्हां नू इस्त्री तो नफरत है, नरक द्वारे उहदे विच मां भी आ गई, उहदे विच धी भी आ गए। जिहड़ा मां तो नफरत करदा, धीआं तो नफरत करदा, उत्थे प्रेम आएगा। इह ते खलोता ही सारा संघर्ष ते है, किरना ते है। गुरु साहब जी कहंदे ने पहली गल, जिस गल तो तुसी खाली रह गए, तन तन दशमेश पिता ने तिन्ना सुंदर बचन कहा, जाप साहब पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो पढ़ो, जत्तर तत्तर दिशा विशा हो फैलियो अनराग। परमात्मा किथे है, साहब जी कहते ने जिथे किथे हर थां प्रेम बन के फैलिया होए, प्रेम स्वरूप है। साच कहो सुन लेहो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। किसी का बच्चा कोल तड़पदा पे, योगे उन्हूं पानी नहीं देवेगा, क्योंकि कहेगा मेरी समाधि च विघन पैंदा पे, मैनू समाधि नाल प्यार है, संसार दे भले नाल नहीं। मरहूम प्रिंसीपल गंगा सिंह होर एक बड़ी सुंदर गल लिखी, वो कहंदे ने समाधियां ला ला के कुचा होया, ते जदों दाते दे दर नूं खड़काया, अगों जवाब आया तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। उन्हें पूछिया क्यों, मैं बड़ा तप किया, मैं तूड़ियां तपाइया, मैं जंगलों में रहा, मैं कंद मूल खांदा रहा, कह लगे कोलों अबला चीक दियां गईया, तेरे कन्नी आवाज नहीं पाई, दुखिया का तू दर्द नहीं बढ़ाया, तू दुखिया लिए दरवाजा नहीं खोलिया, तेरे वास्ते रब का दरवाजा बंद है। तू साधना ते कीती, तू सेवा नहीं कीती, तू कठिन तप ते कीता, सेवा नहीं कीती, तेनू प्रेम करना नहीं आया, इत्थे कोई थां नहीं। रंग ना राता, परमात्मा दे प्यार विच जिहड़ा नहीं रंगया गया, प्रेम दा रंग नहीं चढ़िया। जांको हर रंग लागो इस जुग में, सो कईत है सूरा, आत्म जने सगल वस्तां कै जंग कै सतगुर पूरा, ठाकुर गाइया आत्म रंग, शरणी पावन नाम ते हमन सह इस मामन संग। रंग न रहता, ये रंग प्यार दा चढ़िया ही नहीं, रस नहीं माता, रस विच खीवा नहीं होया, मस्त नहीं होया। बिन गुर शब्द है जल बल ताता, ताता दा अर्थ है तत्ता, तपदा होया दुखी। गुरु दे शब्द तो बगैर ये जीव जल जांदा है, बल जांदा है, ये तपदा। एक पंक्ति सुनो, जीव तपत है बारो बार, बिंद ना रखे आ शब्द ना पाखे आ। बिंद रखन दा अर्थ के यते होना, भाई गुरदास जी ने भी व्याख्या की है, मैं तुहानू सुना दे आ। वो कहंदे ने गोरख जते सदाए दा तिस गुर कर बारी, शुक्र काना होया दुर मंत्र विचारे। छे जतियां दी गल की, लखमण साहब दी भुख ते होमे हंकारी, हनुमंत बलवंत कर चंचल मत हारी, पैरों भूत कसूत कर दुरमत हंकारे। नाल कहा गुरसिख जति सलाहियन जिन होमे मारी, गुरसिख जति ने जिन्होंने होमे मारे। वो कहने ने कोई जति नहीं जिसने शब्द नहीं पाखया, बाणी नहीं पढ़ी, बाणी नहीं गावी, बाणी नहीं विचारी, वो कोई जति नहीं। बिंद ना रखया शब्द ना पाखया, पवन ना साधया, प्राणायाम करके भी उसने कुछ नहीं किया। एवें धौंकड़ी वांग पेट ही फैलाउंदा रहा, इसका कोई अर्थ नहीं। पवन ना साधया सच ना राधया,
जिसने सच की आराधना ने की प्राणायाम किसे काम ने, गुरु साहब तो उसनु कंडम कर रहा है। उन्होंने जिन्ने साधन ने कहे नहीं, उन्होंने जवाब नहीं, उन्होंने खुश करने लिए नहीं कह रहा थोड़ा योगा ठीक है मैं जानता नहीं, वो कहते ने व्यर्थ है। अज मैं एक होर योगी की गल थोड़े नाल करा, उसकी शताब्दी भी तुसी मना रहे हो, जिसनू कहंदे हो बाबा बंदा सिंह बहादुर। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ऐसे उपराले बहुत किए गए ने जिन्हां वल पहले ध्यान नहीं गया, और अज दा कीता हर कर्म कल दा इतिहास बनना। मैं इस गल दी मुबारक देना कि यह काम सिख पंथ वास्ते बड़ा चंगा प्रचार दा साधन ने, बहुत किए ने। मैं एक दो खास नुक्ते तुहाडे सामने रखने चाहुंदा हां। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस सिद्ध गोष्ठ नाल उहदा संबंध है, क्योंकि योग साधना उसने पूरी कीती सी पहले, ओह वी यती सी अवगुणनाथ कोलों। इह नाथ संप्रदा दा साधु पहले वैरागी सन, जानकी दास, रामदास, उन्हां कोल लिया। फिर अवगुणनाथ नाथ संपर्दा दा उहदे कोल योग दे भेद समझे। हुण एक गल तो स्पष्ट तुहाडे सामने आ जाएगी, एक पासे दा सारा कीता योग, एक पासे रिधियां सिधियां, सारा मदारीपणा कह लवां, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दीदार साहब कनखल हरिद्वार इहनू मिले सन, गुरु की साखी अनुसार पछाण लिया। पहले मिले सन, यह सन 1694 विच साहब जी मिले ने, जिक्र है। कहिंदा तुसी गुरु गोबिंद सिंह हो, कहन लगे हां। इत्थे किवें आए, कहन लगे बस तेनू समझाउण लई कि गलत पासे पिया होया, करन वाला काम हो रहा है। कहन लगा मैं तैयार हां। एक गल गुरु कीआं साखियां वाले ने लिखी है, होर किसे ग्रंथ विच नहीं, और बड़े सिख पंथ वास्ते ये फखर वाली गल है। कहंदे ने सिंघां को गैल लेकर बंदा सिंह को अमृत छका दिया। इहदा भाव स्पष्ट ते निकलदा कि गुरु गोबिंद सिंह भी पंजा प्यारियां विच शामिल होए, सिंघां नूं नाल लैके अमृत छका दिता, अमृत पान कीता। योगा जिहड़ा सी उह थले रह गया, मंत्र जंतर सारे रह गए, अरदास उपर आ गई। गुरु साहब जी एक ही गल कहंदे ने, जदों कहंदे ने मंत्र उह कहंदे ने नाम मंत्र। गुरु दा शब्द सब सै उपर, गुर शब्द विचार, नाम मंत्र उपर। नाम जिस दे नाल अंग संग हो गया हुण तुर पिया। कहंदे ने बांगर दे इलाके च आया ते कुछ मुश्किलां पेश आईयां, ते गुरु साहब ने कहा सी अरदास करी। ये बचन बड़े ध्यान नाल सुनना। अरदास करन लई कहा सी कड़ा प्रसाद सजाई। कड़ा प्रसाद सजाउण लई हुण चुल्हे पुट्टण लगे सिंह, ते नाल कहा रस लैके आओ। कुछ रस लैण वास्ते गए, मैं पढ़ के हैरान होया इत्थे कि चुल्हे पुटदे एक भांडा निकलिया, भांडे में सोने दिया मोहरां। कहन लगे खालसा जी गुरु किन्ना अंग संग है, अजे ते अरदास कीती भी नहीं। कड़ा प्रसाद भी ने सजाया ते उसने पहले मोहरां दे दित्तियां ने, हुण कोई घाटा नहीं, गुरु दे आसरे चलो। उसने आके कमाल है कि गुरु की बरकत नाल वेखो पहला जीवन उहदा हरना नूं मारदा सी, पर जरा गुरु दे देते हो तीर वजीर खान उहदे घर आके मारिया। जो दे गुरु ने कहा सी उह हुक्म बजाया। वो दिन भी आ गया जद दिल्ली विच उहना साथियां समेत इत्थे आए बाबा बंदा सिंह बहादुर। 6 महीने इन्हां दी हिरासत विच रहे, थोड़ा नहीं। दसंबर में फड़े गए, जून में जाके शहादत होंदी है, उन्हें वध तो वध टार्चर कीता गया। तसीहे देते 6 महीने को घट नहीं गुजारी, उन्हें वध तो वध परेशान कीता गया। पता नहीं की आख्या होवेगा,
परेशान किया गया। अंत शहादत वाले दिन एक गल कही और एक गल का होर जिक्र करा, बड़ा घट किया गया कि त्रेन कुल विचों गुरु अंगद देव दे कुल विचों बाबा बनोद सिंह सन ते बाबा बनोद सिंह दा पुत्र भाई कान सिंह से सिख पंथ विच इसका बहुत वड्डा सन्मान सी, बड़ा करने वाला योद्धा से। बाबा बंदा सिंह ते बनोद सिंह दा बोल बुलारा हो गया इत्थे तक के कृपाना खिंच लईआं। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੜੀ ਨੰਗਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਕ ਸੀਅਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਇੱਛਾ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਕਿ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਤਪਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਸੌਖੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤੋੜਿਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਭਰੋਗੇ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੌਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਮਰਨਾ ਉਸ ਮੌਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,
कमाल है कि कोई उन्होंने कसर नहीं छड़ी, पर ओ गुरु का योदा जिथे लखां नाल बाहर लड़दा से, जिथे जालमां नाल लड़िया उथे जुल्म नाल भी लड़े। लखां तस्वीर सामने आए। एक गल याद रखियो, गुरमुख उत्ते भी संत उत्ते भी दुख ते जरूर आउंदे ने, पर दुख मनदा नहीं। एक बचन गुरु तेग बहादुर साहब दा सुनावा, उन्हें बिल्कुल नहीं लिखिया उत्थे कि दुख आउंदे नहीं। वो कहंदे ने जो नारे दुख मैं दुख नहीं माना, मनदा नहीं, घबराउंदा नहीं, हारदा नहीं। सुख सुनेहा रहै नहीं जंग कै कंचन माटी माना, ना निंदया ना उस्तत जांके लो मोह अभिमाना, हरख सोग ते रहे न्यारो ना ही मान अपमाना, आसा मनसा सगल ते आगे जग ते रहे निरासा, काम क्रोध जे परसे ना हिन ते कट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको कीने ते जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोविंद सिंह ज्यो पानी संग पानी। बंदा सिंह नु तसीए देने शुरू कर देते, उन्होंने बाणी पढ़नी शुरू कर देते। मैं सहस किते श्लोक च एक श्लोक याद आया, कहंदे ने योधे ने ते योधियां कोल ढाल होंदी है, इन्हां कोल ढाल केड़ी है? कहंदे ने इन्हां कोल ढाल है ओट गुर शब्द कर चरमन है। गुरु दा शब्द तसीए शुरू हो गया। मैं याद आउंदी एक होर शहीद दी, भाई तारू सिंह जलात नू कहंदे ने चरखड़ी जरे तू त्रिखे कर रहे हैं, होर कर ते मैं मन तेज कर लवां। जलात हैरान होया, कह लगा ये रेते टकोरी नाल कर लवांगा, ते मन किस नाल करोगे? कह लगे बाणी नाल। मैं बाणी पढ़ांगा तू हार जाएगा, मैं जित जावांगा। वाकई चरखड़ी कमाउंदे गए, वो जकारे छड दे गए। ज्यों ज्यों उन्होंने दुख दिते गए, खोपड़ी उतार दिते गई, वो शहीद की खोपड़ी ते उतर गई सिखी साबत। आरे नाल चीरे गए पर सिखी दुफाड़ नहीं हुई। बाबा बंदा सिंह नू जमूरा नाल मास तोड़िया गया, गर्म जमूर करके मास खिंचया गया। पुत्र नू आखर प्यार दिता ते कहा बेटा तेरी शहादत प्रवान होवे, तेरी सिखी भी केसां सुआसां नाल निभे, मेरे गुरु दे बच्चे भी शहीद होए सन, तू भी शहीद ते मैनू फखर है कि मैं आप ही शहीद नहीं, मैनू लोकी शहीद पुत्र दा बाप भी कहणगे। उहदा नां सी अजय सिंह। इत्थे गल कहां, बाकी रंग माया दे जिहड़े ने इह ते उतर जांदे ने। बादशाही की एक माया दा रंग, तनवान होना एक माया दा रंग, दुनिया दे सारे सुख माया दे रंग, लेकिन ए उतर जांदे ने। एक पंक्ति सुना दिया ताकि हिरदे च पक्का हो जाए, किसी नू शक ना रह जाए। माया का रंग सब फिका, ए पावे कौड़ियां दा होवे, पावे करोड़ां दा होवे, पावे सारी दुनिया दी दौलत होवे, उन्हां कठी गल कीती है। माया का रंग सब फिका, जातो बिनस निदान। ये निदान शब्द वाल ध्यान देना है, फारसी दा होवेदा अर्थ हुंदा है बेसमझ, नादान हुंदा, ते जे सियारी होए ना, ये संस्कृत वाले पासों है, इहदा अर्थ हो जांदा ओड़क। माया का रंग सब फिका, जातो बिनस निदान, चल मिल बिसियार दुनिया फानी, कालू भी अकल मन गोर न मानी, मन मन कमीन कम तरीन, तू दरियाओ खुदाया, एक चीज मुझे दे अबर जहर चीज ना भाया। उन्होंने जहर चीज नहीं, रंग चढ़ गया, रंग काट बथेरे सुटे गए, उबाले बहुत दिते गए, सिखी दा रंग नहीं उतरिया। ये पक्का तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला, सत रंग टोला। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर नू याद करने, असल ते ना सी गुरबख्श सिंह, गुरु दी बख्शिश लैके आया ना, बंदा बहादुर प्रसिद्ध हो गया। कुछ बंदा सिंह बहादुर कहन लग पे, असल नाम गुरबख्श सिंह से।
इथे सतगुरु फरमा रहे ने जिन्ना नू ते रंग चढ़ गया कोई भी कर्म करने उना दी मस्ती नहीं उतरती। व्यापार विच वी धोखा नहीं करनगे क्योंकि नाम रंग चढ़िया। ओ धर्म विच आके बैठे बाणी पढ़न लगे नाम रंग नाल मस्त हो गए ओ राज गद्दी ते भी बैठ जान। राज लीला तेरे नाम बनाए जोग बनिया तेरा कीर्तन गा। एक गल याद रखनी रब दे प्यारे जेड़े ने एक गल याद रखदे ने उन्हां नू किसे होर योगे दी प्राणायाम दी यमन यम प्रत्याहार धारना ध्यान समाधि दी लोड़ नहीं। योगियां वाले साधन करके भी जे उन्हां नू शांति ना आए गुरु साहब जी कहंदे ने फिर असल मार्ग नहीं। असल मार्ग की है अकथ कथा ले सम कर रहे। अकथ दी कथा की है बेअंत 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 यही अकथ कथा। तैन याद आंदा कबीर साहब नू एक दिन कह दिता प्रेमियां ने मिलते ने ऐसे प्रेमी निर्गुण की कथा सुनाओगे जी। कहंदे ने बड़ी अगम अगाध कथा ओ सुनाओगे। कहन लगे सुनेगा कौन। कहन लगे असी सुनांगे। कहन लगे सुनो आज निर्गुण की कथा कहांगे। निर्गुण की कथा का अर्थ की है जदों को है ही नहीं सी कल्ला परमात्मा सी वो चुप कर गया। चुप करके अखां बंद करके बैठे रहे जदों अखां खोलियां तो उत्थे कोई भी ना सारे ही तुर गए। कहन लगे निर्गुण वाले किधर गए। लोकी ते चाहुंदे ने बोलो ना क्या बोलना ही नहीं होने ना चलो चलिए। एक बचन उस वेले कहा वो लिखिया पिया तुहानू सुना दिया तेरी निर्गुण कथा काहे सो कही है। ये निर्गुण कथा किसनू आखी है। ऐसा कोई बबेके को है मौन दी भाषा जानन वाला चुप दी भाषा जानन वाला अंदर हिरदे दी गल समझन वाला किसनू आखा। अकथ कथा आवो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी। इत्थे फिर बोलना नहीं ये बिन जेवा जो जपे है आए कोई जाने कैसा नाम। ये बोलन दी गल नहीं अकथ कथा ते उस विच लीन हो के मस्त हो जाना उसते हो जाना वख ना रह जाना। अकथ कथा ले सम कर रहा ये बचन समझन वाला। सम दा अर्थ है बराबर। इसकी व्याख्या बाबा फरीद जी ने बड़ी सुंदर की है। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाहे। हुण तुसी बैठे हो ना जिथे जिथे एक रोड़ी थले आ जाए ना मुश्किल है या तो थां छड़ के पासे हो जाओगे तो या रोड़ी कढ़ोगे क्योंकि बराबर नहीं। टोए टिब्बे बन गया रात सुते बिस्तरे थले घोड़ी आ जाए सौन होगा। बंदे ने बिस्तरा ते बराबर कर लिया जमीन ते बराबर करके पार्कां बना लिया जंगलां च पहाड़ां च मन बराबर करना नहीं आया। टोए टिब्बे हैं दूसरा नीमा मैं उच्चा। ये वैर भाव दे टोए टिब्बे कहंदे ने बराबर कर। गुरु साहब जी ने इसे लेके कहा बेशक बरागण चुके फिरो तुसी ये चिमटे लैके तुरे फिरो साधना करते रहो। एक गल तुहानू नहीं आई वो केड़ी वो कह लगे योगी वो एक दृष्ट कर समसर जाना योगी कही है सोए। एक दृष्टि होवे और बराबर दृष्टि होवे बराबर कित्थे सी। योगियां दी आपस विच ही बराबर नहीं सी किसे नू उन्हां की वेखना है ए सुन के तुसी हैरान होवोगे। हद हो गई है एक लंगोटी झगड़े तुहाडे फिर भी नहीं मुके पिछे औजैन की खबर पढ़ी है साधु लड़ पाए छे जख्मी हो गए। कुंभ ते गए सन कि इत्थे अमृत रुड़िया चौवां थावां ते इतिहास है उन्हां दा कि अमृत रुड़िया औजैन रुड़िया नासक रुड़ गया कुछ देवतियां ते दराक्षां की लड़ाई च को अमृत का घड़ा हरिद्वार रुड़ गया प्रयागराज रुड़ गया। बहुत देर पहले 44 साधु कतल हो गए सन हरिद्वार। होया कि साधुआं लंगोटी तुहाडे कोल एक झगड़ा के सुन के हैरान हो गए जिन्हां योगियां दी सिद्ध गोष्ट है उन्हां दे 12 पंथ उन्हां दे पंथ पाव पंथ हेत पंथ
पाप पंत, हेत पंत, पागल पंत, गोपाल पंत, बाण पंत, तुज पंत, रावल पंत, चोली पंत, दास पंत, कोई एक पंथ। घर बार छड़िया एक लंगोटी बन लए पंथ तुहाडे फेर बारा। संसार ते ना हो एक प्रवान दे मां गुरु ने संसार कीता। वो कहंदे ने कदी कदी इंज करिया कर जिवें मोदी खाने मैं तकड़ी फड़ी तू भी फड़ लै ते अपने आप नू तोल सौदा की तोलना है अपने कर्मां नू। वो पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहब विच ने, ध्यान नाल सुनो। हट पट्टन बज मंदर पन्ने कर चोरी करे आवे, अगों देखा पिछों देखा तुझते कहां छुपावे। तट तीर्थ हम नवखंड देखे हट पट्टन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लगा कट ही मेहमान जारा। तोलिया की जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगन हमारे दया करो कश्मीर पावो। डुबदे पत्थर तारे समदृष्टि बन गई सी भाई कन्हैया साहब की। सेवा पंथी महात्मा दा सिख पंथ विच बड़ा योगदान। सिख पंथ सलमान भी इन्हां दा बहुत करदा। समदृष्टि वाले गुरसिख नूं बनाया ही समदृष्टि वाला। अकथ कथा लै लवे ते समदृष्टि हो जाएगी। ओके, जपजी साहब वल ध्यान देना। सिख पंथ दी जिंद जान है बाणी। गुरु साहब जी कहंदे ने मैं तेरे को एक समझ मंगना है सतगुरु, मैनू ये समझ सूझ दे दियो। बुद्ध ते है पर सुध दे दियो। याद रखना बुद्ध ते बड़ी तेज है बिजनेस वाले पासे, पर धर्म की है सुध। मन सगल भवन की सुध, मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की इस सोधी सोझी दे दियो। केड़ी गुरा, इनू गुरा नहीं पढ़ना। गुरा हे सतगुरु, गुरा एक देहे बुझाई, एक मैनू सोझी दे दियो। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। मेरा ही दाता नहीं, गुआंढियां दा भी दाता। ये मेरा ही दाता नहीं, हर मनुख दा दाता। समदृष्टि होवेगी सारे बराबर दिसणगे। शरीर करके तो बराबर नहीं हो सकते, सब दा एक जैसा रंग नहीं हो सकता। ये फिंगर प्रिंट ही साढ़े वक् वक् अखां दे आई प्रिंट वक्रे वक्रे। समदृष्टि होवेगी जोत करके। जोत नू ना तुसी कह सकते हो जोत स्त्री है, ना ये जोत पुरुष है। एते ना ए बूढ़ा ना ए बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला। समदृष्टि होवेगी अकथ कथा विच। तू बेअंत है, तेरी जोत बेअंत है और एक है। अकथ कथा ले सम कर रहा है। अज आखरी हाजरी है, दो ही हाजरियां सन। मैं खिमा चाहना आप बचन बड़े ध्यान नाल सरवण करो। अगों जोन विच फिर प्रोग्राम बने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਹੋ ਲਹਿ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਹੋਣ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਮ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ। आत्मा बास दे वच्छ जे को जान से भयो, नानक तांका दास है सोई नरिंजन देओ। ओ नरले परमात्मा दा रूप है। गुरु साहब ने कहा मेरा योग तेज है, अंजन माहे नरिंजन रही है, योग युग ते वपाईया। रहना कजल दी कोठड़ी वेचा, रहना कजल दी कोठड़ी वेचा, लेकिन सोचेत होके रहना। गुरु साहब जी ने जड़ा बचन कहा से प्रभ के उस्तत करो संत मेत, सावधान एकागर चेत। सावधान हो जाओ। पुरातन रहत नामिया विच ऐसे बहुत बचन सन। कुछ पुरातन गुरसिखां कोलो बचन सुने, मैं हैरान होया सुन के। जरा ध्यान देना पे सिख जड़ा सुचेत किन्ना, एकागर किन्ना है, सावधान किन्ना है। लिखे से अमृत वेले इनान करदा,
क्योंकि हनेरे होंदे सन इन्हां ते प्रकाश कित्थे सी। कशहरा पुठा पा लिया ते सिख तनखाइया हद हो गई। कहा इन्ना ध्यान और उस वेले रहे इन्ना सुचेत होके रहे अनेरे विच भी अपनी चीज लभ लवे किथे रखी हुई है सुचेत हो। राजे जनक ने सुखदेव की प्रीख्या लैन लई गल कही सी। कहन लगा अंतम प्रीख्या फेल हो गया ते बाहर कढ देंगा फिर इत्थे कोई प्रवेश नहीं। थाली हाथ ते रख दिती तेल दी भर दिती। कह लगे जनकपुरी का जा चक्कर ला के आ जे तेल रुड़ गया इतने थां नहीं। हुण तेल इत थाली हिलदी है पर जो तुरिया सुरत इन्नी एकागर हो गई बड़े रंग तमाशे सन आसे पासे वेखिया ही नहीं किसे पासे सुरत एक पासे कि तेल नहीं रुड़न देना। जे किते सिख दा ध्यान यही होवे ना गुरु साहब कहिंदे ने योगी ते मैं उसनू ही कहिंदा कि रब नू मिलन दा समा योग दा समा है। योग दा अर्थ है मिलाप गोविंद मिलन की है तेरी बरिया किते जीवन दा तेल रुड़ ना जाए। मैं एकागर होके रहना रस्ते में जाना एक बचन किन्ना सुंदर है रख रख चरण धरे विचारे दुबदा छोड़ भय नंकारी वो सुचेत होके तुर गए। उन्हें मंदे पैर न रखे होकर सुकृत धर्म कमाया सतगुरु मेहरा वरताए। इन्हें समा हाजरी भरदिया मैं बेनती की थी है गुरु नानक साहब शब्द योगियों वाले वरत रहे ने लेकिन सिद्धांत उन्होंने की है कि पव जल बिन शब्द क्यों करिए असी इन्हें व्याख्या करते रहिए जी मूल आकार तो अगे साधान तक किवें जाना है मणिपुर तक किवें जाना है असी अनाथ चक्कर तक किवें जाना है विशुद्ध तो किवें लंघना है सस्तार तक किवें जाना है। छे चक्रां दी व्याख्या कुंडलनी दी एक पंक्ति लैके कुंडलनी सुरजे सतसंगत कुंडलनी का अर्थ योगियों वाला नहीं इत्थे जागी किया ही नहीं इत्थे सुरजी का अर्थ की है भागा मन की गुंजल खुल गई मन दे वट खुल गए शब्द ते ओहो वरते ने लेकिन अर्थ ओ नहीं। अर्थ है शब्दे का नबेड़ा सुन तू औदू बिन नामे जोग ना होई शब्द गुरु सुर तुन चेला सिद्ध गोष्ठ दा तत सारा अपनल विचारन दा यतन कीता फिर भी बेअंत भुला हुई होणगी बख्श लैणिया गुरु दी मत धारण करनी। दिल्ली सिख गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी दा बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु दे वजीर सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी बड़ा प्यार बख्शते ने धन्यवाद गुरु संगतां दा बाला प्रीतम दा कुटान कोट शुकर तुसी हाजरी भरवा लेंगे हो सिर ते हथ रखते हो इसे तरह रखना सिख पंथ रिणी हाँ सदा ही शुकर शुकर विच रहिंदा सतगुरु मेरा मरताए सरबत नूं अपने नाल जोड़े चढ़दी कला बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।